नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। सबसे पहले हाई वीडियो बात देखिए भैया आप लोग। चमन तू ने गाने को लिखा है कि चमन तू ने म्यूजिक बनाया है, लेकिन हाँ इस गाने में जिस प्रकार की हरकत थोड़ी चुसला पावर स्टार ने किया है, मतलब थोड़ी चुसला पावर स्टार ये भगवान, ये वही लोग है भैया जिसको पावर स्टार पवन सिंह अपना इवेंट में बुलाते हैं, स्टेज पे माइक देते हैं, मान सम्मान देते हैं। अरे लोग क्या करता है, पवन सिंह का नया नया नाम का पवन सिंह का नया नया नामकरण करता है भैया। पहले ये लोग ढोरी हुरवा बोलता था भैया, उसके बाद ढोरी चटना वो गाना आया, अब ढोरी चुसना भैया पावर स्टार को बोल रहा है। हमको भैया बड़ी हंसी लग रहा है। ये बताओ हम लोग बोलेंगे ना भैया तो केस हो जाएगा, एफ आई आर हो जाएगा, लेकिन लोग खुल खुल के बोल रहा है, गद्दा उड़ा दे रहा, धनिया बुन दे रहा है। और ये सब काय कर रहे जानते हैं भैया, अपना जन्मदिन में इसको बुलाए नहीं आप, तनी बुला लेते तो क्या हो जाता भैया, बताइए पवन भैया। ये सब नया नया नामकरण तो आप करे ना होता, पहले ढोरी हुड़वा आपका नाम रखा ही लोग, अब ढोरी चुसना नाम रखते। हे भगवती हे माँ दुर्गा। अभी वीडियो देखे भैया सबसे ज्यादा हमको हंसी लगा, बहुत ज्यादा हंसी लगा। और गाना सच में भैया साफ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं है, गाना हम भी सुने जबरदस्त लगा। बात रहा वीडियो के भैया, तो वीडियो के बारे में भैया गौतम सिंह राजपूत ने आप लोगों को बता दिया है, जो कि पवन सिंह के अजीज यूट्यूबर कहे जाते थे, अभी नामकरण भैया पवन सिंह का कर रहा, तो क्या हो रहा समझे में आ रहा भैया, कुछ समझे में आ रहा क्या हो रहा भैया। इधर महेश पांडे, इधर गौतम सिंह राजपूत, हे भगवती हे माँ दुर्गा, हरे राम कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंदी, ये क्या हो रहा है समझे में आ रहा। खैर गौतम सिंह राजपूत ने इतना गलत अभद्रता पूर्वक पवन सिंह का नाम रखा है, इस पे आप लोग का राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में भैया भैया बताइएगा। हमको तो भैया इसलिए हंसी आ रहा है ना सबसे ज्यादा, कि सबसे पहले उन्होंने नाम रखा ढोड़ी हुरवा, अब ढोड़ी चुसना नाम रख दिया। और नाम रखने का भी भैया कारण है, इन लोगों को पवन सिंह ने जन्मदिन पे बुलाया नहीं, अब जन्मदिन पे नहीं बुलाया तब तो भैया दिक्कत होबे करेगा पवन भैया, आपका नामकरण होबे करेगा, आपका नाम ही लोग बहुत जपा है समझे ना, एक समय में आपका नाम ही लोग बहुत जपा है, और अपने इवेंट में नहीं बुलाइएगा, अपना जन्मदिन में नहीं बुलाइएगा, तो भैया इसी तरह नामकरण होगा पवन भैया आपका। खैर इस तरह इन लोग को नहीं करना चाहिए था, आपका राय क्या है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आई लव यू, जय जय श्री राम।